नमस्कार दोस्तों इनकी एज फोर्टी फोर ईयर्स की है इस हाथ को देखे तो काफ़ी संघर्ष इनके हाथ में दिख रहा है अच्छी साइन भी है पर बुढ़ापे में बहुत अच्छी सफलता मिलते हुए भी इनके हाथ पर दिख रही है तो जवानी तो संघर्ष में फोर्टी फोर ईयर्स तो हो चुके हैं और दो तीन साल चार साल संघर्ष में जाएगा चार पाँच साल उसके बाद इनको जीवन में काफ़ी उन्नति आते हुए दिखेगी साइने भी है और बाकी दूसरे पॉजिटिव साइनें भी है एक एक करके हम देखने की कोशिश करते हैं जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषा का रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैप करके आगे बढ़ता है ये पूरा स्क्वेरिश पाम है मेहनती होते हैं ऐसे लोग मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है पर फैलेंज बड़ा है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी सेकेंड फैलेंज भी नॉर्मल है जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे और मानसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है फर्स्ट उंगली काफ़ी बैंड हो रही है ऐसे लोगों में धार्मिक भावना अति पाई जाती है सूर्य की उंगली बड़ी है ये हिम्मती स्वभाव शो करती है जिब में पचास हजार और पचास लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं फर्स्ट फैलेंज सारी उंगलियों के बड़े हैं तो उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी फास्ट निर्णय लेने वाले भी होंगे पर एनालिटिकल भी होंगे बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं ऐसे लोग पर ये रेयर साइन है या तो उंगलियाँ छोटी होती है और फैलें छोटे होते हैं इनकी उंगलियां छोटी है यानी निर्णय तो फास्ट लेने वाले होंगे पर एनालिटिकल भी होंगे छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलैन तक पहुंच रही है सूर्य की उंगली के तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग चीज़ों को संभाल कर रखना याद शक्ति मनी मैनेजमेंट और अकाउंट ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं बहुत बारीक रेखा वाला हाथ है जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी सारी लाइनें हो बुध पर्वत पर और बड़ी बड़ी हो तो आंख मुन के उस व्यक्ति को कह दीजिए बुढ़ापे में भी अच्छी उन्नति रहेगी पैसे के मामले में बुध पर्वत काफी उत्तम है तो व्यक्ति को सुंदरता देती है ये लाइन है दो चार भाषाओं के जानकार भी होते हैं और बुध पर्वत भी अच्छा है तो बिजनेस के गुण काफी अच्छे होंगे और उम्र बढ़ने के साथ साथ मल्टीपल इनकम के सोर्स भी इनके जीवन में क्रिएट होने वाले हैं मैं एक एक करके सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करूंगा अब इनके हाथ में साइन है कहां कहां पर है वो देखते हैं एक साइन इनके ही इस जगह पर है एक साइन इनके इस जगह पर है और ये काफी उत्तम मैं कहूंगा सनलाइन पर है इनकी धन रेखा ने कभी इनको साथ नहीं दिया और जिस समय साथ देगी ये साइने इनको भरपूर पैसा देगी भरपूर एक साइन यहां पर है एक छोटी यहां पर है बस इतनी साइन है इस साइन का बहुत महत्व है इनको भरपूर पैसा देगी यह साइन इनके होश संभालने के बाद इनको कभी अच्छी साइन मिली अच्छी राह राह मिली नहीं है पर आगे चलकर काफी अच्छी राह इनके जीवन में बन रही है शनि पर्वत यहां से दबा है ये व्यक्ति को इंटरेस्ट पे करवाता है चीजें देरी से मिलती है और हार्डवर्क करना होता है यानी जो काम बैठे बैठे होना चाहिए वहाँ हार्डवर्क लगता है जुपिटर माउंट थोड़ा सा यहाँ से उभार है तो ये पारिवारिक समस्याएं देता है और इनकी सेकेंड मैरिज भी हो चुकी है पर इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति हमेशा सेकेंड मैरिज करता है पर ये कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं देता जरूर है एक लाइन दो लाइन तीन और चार ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है सेकेंड सेवाभावी और धार्मिकता ये चारों गुण व्यक्ति को मिलते हैं अंदूनी मंगल इतना अच्छा नहीं है कहीं ना कहीं कमजोर है तो व्यक्ति शारीरिक रूप से उतना मजबूत नहीं होता जितना होना चाहिए वारी मंगल उससे भी ज्यादा अच्छा जब किसी से मिलता है व्यक्ति एनर्जी के साथ मिलता है सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है और ये एक लाइन है ये अगर कंप्लीट होगी इनकी इतनी बारीक रेखा है कि बहुत सारी लाइनें तो समझ में भी नहीं आ रही है तो पिता की ओर से भाई की ओर से या जीजाज की ओर से कभी ना कभी आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में कभी ना कभी कष्ट आता है चंद्र पर्वत पर एक ट्रायंगल नजर आ रहे है एक यहां पर है एक यहां पर है दो एक यहां पर भी है अब ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम तो कर रहे हैं पर इनको विदेश से धन प्राप्ति के योग नहीं है पर ट्रायंगल का मतलब है जीवन में कभी ना कभी विदेश से धन प्राप्ति के योग इनके जीवन में बनेंगे या तो व्यक्ति कवि होता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं एक क्रॉस भी है इनके हाथ में ये क्रॉस व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता है मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको हमेशा जीवन में डर बना रहता है आज जहाँ पर हूँ उसे नीचे गिर गया तो इस तरह की फीलिंग व्यक्ति को आती ही है और ये देखिए ये ट्रैवल लाइन तो कभी ना कभी हो सकता है ये विदेश में भी सेटल हो सकते हैं इस तरह के योग भी बनने के चांसेस है इनके जीवन में ये कभी ना कभी शेयर सट्टे में भी ध्यान लगाएंगे शुक्र पर्वत व्यवस्थित है मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा उभार वाला है एक बैलेंस शुक्र पर्वत है जब किसी व्यक्ति की हार्ट लाइन इस तरह से दो फोर्क में बटे तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं और जुपिटर से स्टार्ट हो रही है तो व्यक्ति भरोसे लायक इंसान होता है किसी के सौ रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएगा इस तरह की मानसिकता इनकी रहती है और सेवाभावी भी रहते हैं प्यार का प्रदर्शन करने वाले लोग भी होते हैं लोग इनके उस भोलेपन का फ़ायदा भी उठाते सबका भला करना इनकी फितरत होती है पर उसी फितरत का लोग बेनिफिट भी उठाते इनकी भावनाओं से लोग खेलते पर देवदूत तरह की पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी होते सबकी सेवा करना सबका भला सोचना ये इनकी फितरत होती है हृदय रेखा से एक दो लाइनें नीचे जाती है मित्रों को सके संबंधों को पैसा देंगे वो पैसा वापस नहीं आएगा और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है और एक दो फ्लैट लाइन है व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है उसके बाद खुशी ढूंढता है माइंड लाइन पूरी अंदरूनी मंगल के आसपास से शुरू हो रही है तो ऐसे लोग प्लानिंग ज़्यादातर बनाते और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पर रहती इम्प्लीमेंट नहीं होती और माइंड लाइन में दूसरा कोई दोषारोपण नहीं है व्यवस्थित माइंड लाइन है अब देखो इतनी अच्छी साइन होने के बावजूद इनके जीवन में संघर्ष क्यों रहा होगा ये लगभग पच्चीस के आसपास से या तेईस के आसपास से लेकर ये शादी वाली लाइन है ये इस लाइन ने इनकी शादी कराई इस पीरियड तक इनके जीवन में संघर्ष रहा ही होगा क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा लगभग नहीं के बराबर है तो ये संघर्ष करवाती है और उसके बाद भी देखिए उसके बाद भी छोटी छोटी वस्तुएं इनको काटती रही है एक बत्तीस के आसपास राहु रेखा आई एक चौंतीस के आसपास राहु रेखा है और इसी पीरियड के आसपास पैंतीस के आसपास एक लाइन जा रही है ये वाली इसने मैरिज करवाई सेकेंड मैरिज उसके बाद छत्तीस में एक राहु रेखा आई सॉरी पर थे छत्तीस में एक राहु रेखा आई एक चालीस में आई और एक ये फोर्टी थ्री में रेखा जो अभी चल रही है इनके जो पूरी होने आ रही है अभी और एक ऑफशूट मिलेगा इनको फोर्टी सिक्स के आसपास हो सकता है कोई प्रॉपर्टी भी खरीदे अगर ट्रायंगल बनता होगा और बन रहा है तो हो सकता है इस पीरियड में ये प्रॉपर्टी भी ख़रीदे और एक नियर एंड डियर की डेथ भी शो हो रही है और छोटी राहु रेखा है पर इतनी स्ट्रांग नहीं है ऐसे तो छोटी दूसरे साल में भी है पर इतनी स्ट्रांग लाइन नहीं है उसके बाद एक स्ट्रांग राहु रेखा इनको फोर्टी नाइन के आसपास आएगी ये इनका लास्ट संघर्ष वाला पीरियड रहेगा उसके बाद कोई मेजर राव रेखा मुझे शो नहीं हो रही है उसके बाद सारे ऑफशूट है देखिए हर चार चार साल में तीन तीन साल में इनको ऑफशूट मिल रहा है फिफ्टी टू से ये ऑफशूट मिल रहे इनको तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह इसके बाद इनका जीवन पूरा उत्तम तरीके का बहुत ज़्यादा सफलता इनको होती दिखेगी जीवन में बहुत ज़्यादा मैं ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा जैसे लोग बोलते ना भाग्योदय हुआ इनका भाग्योदय फोर्टी नाइन के बाद होते हुए इनको दिखेगा एक आध साल प्लस माइनस फोर्टी नाइन के बदले पचास समझ लो मैक्सिमम वहां से इनको भाग्य भाग्योदय होता हुआ दिखेगा इनके जीवन में अब इनके कट भी देख लेते हर जगह कट है इनके जीवन में फेट लाइन पर भी पहले मैं फेट लाइन को ही ये देखिए यहां तक ये ओवरलैप है लाइन अप टू थर्टी सिक्स तक थर्टी सेवन से लेकर थर्टी एट तक का पीरियड एक आध साल का उत्तम भी गया होगा इनके जीवन में और ये मैं कंफर्म भी कर चुका हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई सूजन जैसी स्थिति नहीं थी और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया यस यानी जब से हो है तब से ये ओवर लाइन चल रही है बीच में केवल एक गैप मिला उसके बाद थर्टी एट से लेकर एक फोर्टी वन में बहुत बड़ा कट लगा एक फोर्टी थ्री के आसपास कट लगा ये नाइन्टी नाइन परसेंट ये लाइन इन्वेस्टमेंट की लाइन है या नुकसान देगी और इसी लाइन के बाद फोर्टी नाइन या फिफ्टी से इनके जीवन की गाड़ी उत्तम तरीके से चलनी चालू होगी और कई जगह से इनकम के स्रोत क्रिएट होंगे कई जगह से ये इनका टर्निंग पॉइंट होगा मैक्सिमम पचास से और उसके पहले संघर्ष है ही है जीवन में बीच में कोई एक आध साल अच्छा भी आ गया तो उसको अच्छा गिनने की जरूरत नहीं है पर यहाँ तक तो संघर्ष इनके हाथ में दिख ही रहा है यहां से इनको उत्तम होते हुए चीजें दिखेगी और अच्छी साइन है बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन है इनकी तबीयत भी देखिए यहाँ पर फिफ्टी के आसपास इतना पार्ट खराब है उसके बाद थोड़ी सी तबीयत भी इनकी अच्छी होती जाएगी तो जान जब अच्छा समय आना होता है तो बहुत सारी वस्तुएं धीरे धीरे अच्छी होनी चालू होती है तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद